हेलो सर, मेरा नाम है सोहेल फिदायर, मेरे साथ है शेरा जी, जो आप जानते हो कि मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सलमान खान के खास 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 आदमी हैं। आपने शिवसेना ज्वाइन किया, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या ये डिसीजन कैसे लिया, क्यों लिया, और क्या है पॉलिटिकल में, कितना आपका भी इंटरेस्ट है जी? पहला तर जय हिंद यानी जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ऐसा है कि मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है और मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ और शुरू से ही मैं बाला साहब ठाकरे साहब का, साहब जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और उनको आइडलाइज़ करता था हमेशा। एक बार मौका भी मिला उनका आशीर्वाद लेने का, पैर छूने का। और फिर मेरे फ्रेंड है राहुल, जो शिवसेना में यूथ में काम करते हैं, उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन शिवसेना। उस हिसाब से फिर हमने शिवसेना ज्वाइन की उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में और आदित्य साहब जी ठाकरे के नेतृत्व में। कभी किस तरह, मतलब क्या आपने कभी ये सोचा था कि मतलब कुछ पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन करके आपने ये रुचि दिखाई, या उनकी तरफ से कोई ऑफर आया था, या फिर आप कुछ रियली कुछ अच्छा काम करना चाह रहे थे? आपके ये काम के साथ कोई एक होता है ना कि भाई एक सोशल कॉज में भी जो कुछ काम किया जाए? अभी तो ऐसा है कि अभी रिजल्ट जैसे कि कल हैं, जैसे कल रिजल्ट आता है तो उसके बाद पार्टी के साथ बैठ जाएंगे और जो भी हाई कमांड बोलेगी उस हिसाब से हम अपना मूव करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। तो आप कितनी एक्टिवली इन्वॉल्व ही रहोगे, मतलब जहाँ जहाँ, मतलब जिस तरह से आपको, मतलब जब जब मेरी पार्टी को मेरी ज़रूरत रहेगी, जिस वक्त ज़रूरत रहेगी मैं उस वक्त हाजिर रहूँगा पार्टी के लिए। तो कुछ मुद्दे आपने सोचे हैं जिस मुद्दे पर कुछ काम करना है? डेफिनेटली पार्टी कहेगी, लेकिन आपने भी अपनी इच्छा? नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। एक बार पार्टी सत्ता में आ जाए तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और इस इलेक्शन को किस तरह आप देखते हो कि ये इस इलेक्शन में क्या है, किस तरह का? बहुत अच्छी जीत होगी शिवसेना की। और जैसे कि हमारे युवा लीडर हैं आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया है। वो एक डायनामिक यूथ लीडर हैं, एक डायनामिक हैं और उनको काम करने की बहुत क्षमता है, उनमें बहुत काम करने की क्षमता है। और फ्यूचर जो है वो आदित्य ठाकरे जी हमारा फ्यूचर है। दबंग 3 का अभी ट्रेलर रिलीज हुआ था, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आई। आपने कितना एंजॉय किया और क्या क्या कहना चाहोगे? हमेशा एंजॉय करता हूँ, मालिक की पिक्चर है और जितनी पिक्चर अच्छी चलती है, जितनी पिक्चर अच्छी निकलती है, उतनी ज़्यादा खुश होता हूँ, उतना ही ज़्यादा लोगों का प्यार मिलता है। जैसे मैं कहूँ कि आपने एक बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया, बहुत एकदम ही परफेक्ट फिट लग रहे हो, ऐसे लग रहे हैं कि कम से कम 8-10 साल अब यू नो अपनी एज कम हो गई है। यू नो क्या एक कॉन्शियस एफर्ट था कि थोड़ा शायद पुट ऑन कर दिया था वेट, या अभी लाइक वापस एकदम? पुट ऑन तो नहीं किया था वेट, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू से बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा, एक्सरसाइज का शौक रहा, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम मिल गया तो वर्कआउट कर लिया था बीच में। चल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।